अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे? क्या करते हैं आप? मैं एमफिल कर रहा हूं जिसे यूनिवर्सिटी लाहौर से। माशाल्लाह। अच्छा, आज इस टॉपिक में वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो ये है, मुझे ये पहले पता है महंगाई के क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान में। डेली कोई ना कोई चीज़ का रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई डेली होती जा रही है, इसकी क्या वजह है भाई? थोड़ा सा आप तो बता दो। महंगाई की वजह यह है कि हम जो भी चीज़ें हैं ना वो मतलब सारी ना इंपोर्ट ही करते हैं, कोई एक्सपोर्ट हमारी कोई नहीं है, इंडस्ट्री कोई नहीं है। हमारी इंडस्ट्री डेवलप होगी तब हमारा मतलब कोई महंगाई कम होगी, चीज़ें इधर बनेंगी। लोगों को भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करें, ताकि मतलब हर चीज़ की जिम्मेदार हुकूमत नहीं होती, कुछ हम खुद भी हैं, और उसके अलावा हमारी मीशत ठीक होगी तभी महंगाई ठीक होगी। क्योंकि मुझे बताएं, अगर हम बात करें, मुझे बताएं कौन जिम्मेदार इस महंगाई का, कि इमरान खान की हुकूमत? महंगाई के सारी बराबर के जिम्मेदार हैं मेरे ख्याल से, जितना इमरान खान है उतनी ही हुकूमत है। क्योंकि जो भी नवाज़ शरीफ का अगर पहला दौर देखा जाए तो हम कहते हैं, फिर इमरान खान का दौर देखा जाए हम कहते हैं वो नवाज़ शरीफ का दौर अच्छा था, अब शहबाज़ शरीफ और का दौर और इमरान खान और का दौर देखा जाए तो हम कहते हैं यार ये जो है ना इमरान खान का दौर अच्छा था। मतलब अब जो भी आने वाला है ना वो हमें सही नहीं लगेगा कि जो मौजूदा था जो पहले था ना वो ठीक था जो आने वाला, क्योंकि हमारे मईशत मुल्क दिन ब दिन डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। बिल्कुल, हाँ। तो फिर ये अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, इंडिया की, हमारा हमसाया मुल्क वही है, आपको पता है दोनों कंट्री 1947 को लादा हुई थी, ठीक है, और मुझे पता है वो इस टाइम इतने स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, वो किधर पहुंच गए हुए हैं, हम किधर हैं, वो हम डाउन पे डाउन होते रहे, वो स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होते, इसकी क्या वजह है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं? उनकी कुछ चीज़ को भी देखे, जैसे अगर रोटी पे हम बात करते हैं, उनकी रोटी 3 रुपये की वहाँ मिल रही है अपनी आवाम के लिए, हमारी यहाँ पे 15 रुपये क्या 20 रुपये की रोटी होने जा रही है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेके जाए उनकी प्रोडक्ट बहुत कम है, हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है डे बाई डे, उनके कम होती जा रही है, इसकी क्या वजह है? यार उसकी एक वजह यह है कि उनका एक बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट है, मतलब हर मुल्क उधर सरमायाकारी करना चाहता है। एक बात तो ये है कि उसके अलावा उनकी आईटी इंडस्ट्री देख लें बड़ी एक्सेल कर गई है। कल वो गाड़ियों वाला उन्होंने देख आया हुआ था कि वो जापान की गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ, वो आई बीट कर दी। हाँ जी जी, तो वही चीज़ है, उनकी इंडस्ट्री ज़्यादा आ रही है, उनके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, बड़ी मतलब एक बड़ा मुल्क है, मतलब बड़ी मार्केट है, जिसकी वजह से वो आईटी उनकी आईटी इंडस्ट्री बड़ी एक्सेल कर रही है। जी जी, मुझे बताएं, देखिए हम अगर अपने मुल्क की ही बात करते हैं, अपने मुल्क के हिसाब से फिर भी हम उनके साथ बराबर तो है नहीं। अगर हम 25 करोड़ अवाम है, उनकी अगर 1 अरब से लगभग जितनी 1 अरब से अबव अवाम है, हम उन्होंने अपने हिसाब से कंट्रोल किया महंगाई को, हमने तो 22 करोड़ के अवाम जो 24 करोड़ की अवाम के मुताबिक भी हमने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, इसको किस तरह देख रहे हैं? हमने अपनी अवाम के मुताबिक भी नहीं किया महंगाई के, हम कंट्रोल कर सकते अपने अवाम के मुताबिक कंट्रोल, इसको किस तरह देखते हैं हम कि हमने तो ये भी काम नहीं किया? जी जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे, जैसे कि शहबाज़ शरीफ ने भी लिए थे कि सस्ता रोटी वगैरह, ये ऐसे इनिशिएटिव, लेकिन ये एक टेम्परेरी था, बयान देने नहीं, वो था ठीक था, लेकिन वो एक टेम्परेरी था, वो 3 महीने की हद तक, 4 महीने की हद तक, 5 महीने की हद तक। ये है कि महंगाई को कंट्रोल तब किया जा सकता है कि जब आप की कमाई ज़्यादा हो, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर है उधर कमाई 5-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं हो रही तो उसको महंगाई लगेगी। अगर मतलब लोगों को ये है जरिया माश दे दे, मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग पैदा कर दे, वो कहते हैं कि मछली पकड़ना सिखा दो, इससे अच्छा कि किसी को वैसे मछली दे दो। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी को कोई स्किल सिखा दो। हमारे मुल्क में ये है कि स्किल कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं एमफिल का लड़का हूँ ना तो मुझे भी एक स्किल, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। इवन के पीएचडी वाला बंदा भी है ना, उसके पास स्किल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आपको पता है कुछ अरसा पहले स्टूडेंट भी छोड़ के गए हैं, कितने पाकिस्तान 7,65,000 के स्टूडेंट छोड़ गए पाकिस्तान को। यार मैं वही कह रहा हूँ कि वो उसकी यही वजह है कि ये तालीम तो है, मैं कहता हूँ पीएचडी भी बंदा कर रहा है ना, उसके पास भी कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान, इससे अच्छा डिप्लोमा कोई स्किल हो जाए ना वो अच्छा है। अब मैं पढ़ रहा हूँ ना, मतलब मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, मुझे उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है कि कंबस्टन इंजन या ये इंजन, मैंने उसका रट्टा लगा लेना है, मुझे उसका प्रैक्टिकल वर्क अगर पता हो ना, एटलीस्ट मैं अपनी दुकान खोल सकता हूँ, कोई अपना काम कर सकता हूँ। मतलब हमें एक तालीम एक ऐसी देनी चाहिए कि बंदा खुद अपने पैर पे खड़ा हो सके, कोई स्किल होनी चाहिए, अगर ये होगा ना तो फिर इंशाल्लाह। चले, अगर हम थोड़ा सा इमरान खान के बारे में, आजकल इमरान खान बहुत ट्रेंडिंग में है, इमरान खान को नहर करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इमरान खान की हुकूमत ही ख़त्म कर दी, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? इमरान खान की हुकूमत, इसमें मेरे ख्याल से जो मेरा अपना ओपिनियन है
कि हमारे में एस्टेब्लिशमेंट जो चाहे, मतलब पहले एस्टेब्लिशमेंट जो चाहे कि पहले उन्होंने इमरान खान को लिया है, अब एस्टेब्लिशमेंट को नज़र आ रहा है कि इमरान खान की, बेशक मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, मैं खुद जो हूँ वो ठीक है, न्यूट्रल जी जी न्यूट्रल जी, जो मैं खुद हूँ वो जमात इस्लामी के साथ। अच्छा अच्छा ठीक है। जमात मतलब मैंने वोट नहीं दिया, मुझे वो जमात अच्छी लगती है, लेकिन इनमें मुझे इमरान खान की कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ शहबाज शरीफ की भी कुछ बातें, मतलब दोनों ही कुछ ना कुछ बेहतर हैं। उसके अलावा इमरान खान का ये है कि अब इमरान खान जैसे महंगाई ज़्यादा हुई है तो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। अब एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि अगर अब इमरान खान आ गया तो हमसे ब्लैकमेल नहीं होगा, ये बिल्कुल राइट। ये बात भी है कि अब वो 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगा, पहले तो ये था कभी एमक्यूएम का मकरूज था कि उनसे वोट लेने पड़ते थे, उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट की मदद की ज़रूरत थी, काफ लीग वगैरह और दीगर जो छोटी मोटी पार्टी हैं उनके वोट लेने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो ये है कि वो अपना मतलब फ्री होकर डिसीजन लेगा। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज देखना चाहेंगे, मैं कहूँगा कि तब्दीली खुद से आती है, अगर हम खुद ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह तब्दीली भी आ जाएगी। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू।